हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं आगे का। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। LHS लेना है पहले अपने को। LHS लिखते हैं 1 cot² θ ब्रैकेट क्लोज 10θ अपॉन sec² θ। अब हम जानते हैं वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cot² θ। इसके बाद टेन सेक सेक का लिख लेते हैं वैल्यू। यहाँ पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cos² θ एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सारे वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। इसके जगह आएगा 1 cosec² θ मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा 1 cos² θ। इसके बाद क्या करना है, कोसेक को 1 sin² θ मल्टीप्लाई, ये कॉस ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई cos² θ। ये साइन एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा बचेगा, यहाँ कॉस थीटा बचेगा। तो आंसर क्या आया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूफ करना है tan²θ - sin²θ इज इक्वल टू tan²θ मल्टीप्लाई sin²θ। अब इसमें मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई में तभी आएगा जब अपने को tan²θ को ओपन करेंगे, मतलब फॉर्मूला डालेंगे उसका। देखते हैं आगे। वी नो दैट tan θ इज इक्वल टू sin θ अपॉन cos θ। इसके बाद वैल्यू पुट अप करते हैं। पहले LHS लिखते हैं इज इक्वल टू tan²θ माइनस sin²θ। टेन आएगा sin²θ अपॉन cos²θ माइनस का sin²θ। क्वेश्चन को रिपीट समझा देता हूँ। इसमें पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया tan²θ माइनस sin²θ इज इक्वल टू tan²θ, tan θ इज इक्वल टू sin θ अपॉन cos θ होता है, LHS इज इक्वल टू tan²θ माइनस sin²θ, फिर टेन का जो डाल देंगे sin²/cos²θ इज माइनस sin²θ। LCM निकाल लिए, sin²θ माइनस sin²/cos² आ जाएगा अपॉन cos², sin² कॉमन लिए 1 - cos², 1 - cos² sin² होता है, tan²/sin², LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आपको रिवाइज करा दिया मैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, cosec θ + sin θ cosec θ माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cot²θ + cos²θ। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको प्रूफ करते हैं अभी। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी बोला वही है अभी। ये क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। कोशेक का होता है 1 बाय
साइन थीटा माइनस साइन थीटा। LHS लिए अपन, ब्रैकेट में 1/sin θ - sin θ। इस प्रकार से अपन नहीं करेंगे, ये आपको बताया था। लेकिन फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ यहाँ पास, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin θ। ठीक है, अपन ऐसा ओपन नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। समझना है कैसे करें, यहाँ cot है, यहाँ cosec मिल गया, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर a प्लस बी ए माइनस बी में दिख रही है, एक्चुअली में क्वेश्चन देखना पड़ेगा, यहाँ प्लस है, a प्लस बी ए माइनस बी दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cosec को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin²θ - sin²θ। इसके बाद क्या करना है अपने को, LCM लेते हैं, 1 - sin⁴θ / sin²θ। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते आगे सॉल्व, इसमें दिमाग ये लगाएंगे, अपन जानते हैं sin²θ + cos²θ = 1 होता है, तो यहाँ 1 की जगह अपन वही डाल देते हैं, sin²θ + cos²θ - sin⁴θ / sin²θ। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, cos²θ / sin²θ। ये कर लिए कि cot लाना है अपने को, तो cos / sin को सेपरेट कर लिए, प्लस sin²θ को इसमें से कॉमन ले लिए इन दोनों टर्म्स से, तो 1 - sin²θ / sin²θ आ जाएगा। ठीक है, sin और sin कैंसिल हो जाएगा, तो cos²/sin क्या होता है, cot²θ प्लस का 1 - sin क्या होता है, cos²θ। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यहाँ को फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, cot θ इज इक्वल टू होता है cos θ / sin θ, और 1 अपन जानते हैं sin²θ + cos²θ = 1। तो यहाँ से अगर अपन cos² निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 - sin²θ। ये सब बेसिक फॉर्मूला, इसको याद करना चाहिए, अभी तक आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं हुआ है तो प्रीवियस वीडियो में जाके पूरा कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद इसे इस आगे का देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, sec θ + cos θ ब्रैकेट क्लोज sec θ - cos θ = tan²θ + sin²θ। ये क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं, सेम क्वेश्चन है ये भी, LHS क्वेश्चन, LHS लिखते हैं पहले अपन, LHS इज इक्वल टू sec θ + cos θ ब्रैकेट क्लोज sec θ - cos θ। ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा, तो sec²θ - cos²θ। इसके बाद sec का होता है फॉर्मूला 1 - cos²θ - cos²θ, इसका हो जाएगा 1 - cos²θ / cos²θ। LCM निकाल लिए अपन, LCM के बाद क्या करना है, 1 को लिख देना है sin²θ + cos²θ - cos²θ / cos²θ। इसके बाद सेपरेट कर लेना है sin²θ / cos²θ -
कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर, कॉस से कॉस का कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहीं से वैल्यू निकाल लिए अपन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला प्रूफ हो गया। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, sec a 1 माइनस साइन a, sec a प्लस टेन a इज इक्वल टू 1, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, LHS मान लेते हैं पहले, LHS अपना होगा sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस टेन a। इसके बाद सबको ओपन करते हैं, sec का होता है 1 बाय कॉस a, इसका 1 माइनस साइन a, sec का होता है 1 बाय कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a, ब्रैकेट में sec का होता है sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, इसके बाद अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, अपन जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा इन दोनों में। इसके बाद अपन जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वाले टर्म की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ये कैंसिल अप हो जाएगा, आंसर 1, मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर 1 लाना है इसलिए मैं डायरेक्ट ओपन कर दिया, sec a अपॉन 1 बाय कॉस a, sec a अपॉन 1 बाय कॉस a, और 1 माइनस साइन a का एज इट इज रहेगा, और sec a का 1 बाय कॉस a, साइन बाय कॉस टेन का एलसीएम निकालो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो फुल नंबर मिलेगा आपको बोर्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज sec a माइनस cos a tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 1, ये अपने को प्रूफ करना है। तो पहले क्या करते हैं अपन, cosec a मतलब 1 बाय साइन a, LHS ले लीजिए पहले अपन, LHS माइनस का साइन a, 1 बाय cos a, sec a क्या होता है 1 बाय cos a माइनस cos a, यहाँ पर लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट का कॉस बाय साइन, टेन का साइन बाय कॉस,
इसको सिंपली एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन का कॉस है, मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अपन जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, दोनों के अपॉन में आएगा साइन है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं सब मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है वन, ये कट गया तो आंसर क्या है वन, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड। इसमें बेसिकली तीन फॉर्मूले यूज थे, पहला फॉर्मूला यूज हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कोस थीटा, ये दो फॉर्मूला हुआ यूज, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इतने फॉर्मूला यूज हुए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, ये वाला और ये वाला, ये तीनों को अप्लाई किया हूँ आंसर एक बार में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वन प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसमें पहले क्या करना है अपने को, एच एस ले लिए, टेन स्क्वायर खोलते हैं वन साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा हो गया एल एच एस, एलसीएम ले लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है वन, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइंस स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा आंसर वन। क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ इसमें, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, साइन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू वन, ये अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसमें सिंपली क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे पहले, एल एच एस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, इसके बाद इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, साइन स्क्वायर है मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है बाय साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस कॉस कैंसिल साइन साइन कैंसिल, क्या आया यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू वन, तो क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ इसमें, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दो फॉर्मूले को बस यूज करना है, क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा आपका। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 23 इसको सॉल्व करते हैं। LHS में लिख लिया हूँ, इसमें आपको पहले डालना है कॉट का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अपन जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला है सब। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक तो आ गया अपना। अब इसमें देखना है प्रूफ में कि यहाँ कॉस का टर्म बस है, तो अपन क्या करते हैं साइन को भी कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पॉन में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ से निकाल लेंगे अपन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिए, इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कौन में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, क्वेश्चन नंबर 24 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अपन क्या करते हैं पहले कोसेक का डाल लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब डालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में वन अपॉन साइन थीटा। उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज नीचे में साइन थीटा। अब यहाँ से माइनस वन कॉमन लेते हैं, जो दिख रहा है वही कर रहे हैं अपन, सिंपल जो होते जा रहा है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से निकाल लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, जीरो अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। LHS इज इक्वल टू आर HS हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करते हैं। LHS इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन ए। अब इसमें कुछ आगे सॉल्व नहीं कर सकते अपन, इससे पहले LCM निकालेंगे अपन। LCM निकाले तो वन माइनस साइन है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा LCM में प्लस वन प्लस साइन है अपॉन में वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन साइन कैंसल टू अपॉन कॉस स्क्वायर है। अपन जानते हैं
वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो टू सेक स्क्वायर है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहले एलसीएम लेते हैं, एलएचएस मान लिया अपन 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम निकालते हैं अगले स्टेप में, होल स्क्वायर प्लस एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डिफरेंट टर्म, इसके बाद इसके आगे सॉल्व करते हैं, ओपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, यहाँ तक आ गया। अब ये साइन प्लस कॉस वन प्लस वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, टू प्लस टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। इसके बाद टू कॉमन आएगा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा कैंसल, टू बाय कॉस थीटा। हम जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, सिंपल करना है सॉल्व, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जैसे क्वेश्चन दिख रहे पहले एलएचएस लिखते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक पहुँच गए। सिंपली सॉल्व, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलते हैं, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा, ब्रैकेट में आएगा अपॉन में आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा कैंसिल, तो जाएगा टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, टू कॉमन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे आया, अपन जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टू कॉमन ले लिए, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू टू कैंसिल, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अपने को ये प्रूफ करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद वाले भी एनसीईआरटी 29 क्वेश्चन नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें डालते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है, हर में यूज़ होगा, अपने को पहले यही ओपन करना है। एलसीएम लेते हैं, अपन जानते हैं ये और ये टर्म कट जाएगा, 1 साइन ऊपर चला जाएगा कॉस नीचे आएगा, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो सिंपल आपको फोन में डालना है, ओपन करना है, बस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 LHS अब लिखने की जरूरत नहीं है, LHS लिख लिए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS मान लिए इसको अपन, ये टर्म LHS है, sec का होता है 1 बाय cos, तो 1 प्लस 1 बाय cos थीटा अपॉन 1 बाय cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो LCM निकालेंगे, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, यहाँ तक आ गया। RHS मान लेते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ये बस बेसिक फॉर्मूला यूज़ हुआ है बस। RHS मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अपन RHS सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा मल्टीप्लाई, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा लाना है अपने को, इसलिए अपन प्लस का मल्टीप्लाई कर लिए। अगले स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर खोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और नीचे ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आंसर। इसमें क्या फॉर्मूला यूज हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अपन निकाल लिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, अगर LHS में प्रूफ नहीं हो रहा है तो RHS को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, हर केस में नहीं होता है, कभी कभी बस यूज़ होता है। NCERT क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। LHS इसको मान लेते हैं, क्वेश्चन के बाद अपन LHS भी लिख लिए हैं, LHS इसके बाद अपने क्या करना है, टेन थीटा का होता है फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
एलसीएम निकाल लिए यहाँ पास, तो क्या आएगा यहाँ एलसीएम, यहाँ आइए एलसीएम निकालते हैं पहले साइन थीटा, ये कॉस नीचे आ जाएगा, एलसीएम निकाल लिए साइन थीटा, ऐसी रखते हैं एज इट इज, कॉस थीटा पॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस नीचे आएगा साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस ऊपर जाएगा, ये वाला अपॉन वाला कॉस ऊपर, ये साइन नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। इसके बाद इसमें अपने को क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है ये वाले टर्म में, यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर में कॉस थीटा माइनस माइनस यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये साइन थीटा नीचे वाला है ना, नीचे रहेगा ये, गलती से लिख दिया ऊपर। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा सेम है, तो इसमें कॉस साइन अलग है, तो साइन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में, अपॉन में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं अपन, पहले अपन टेन माइनस वन माइनस कॉट था, कॉट अपन वन माइनस टेन था, टेन को डाल लिए साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, और फॉर्मूला लिख दिया टेन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, फिर साइन बाय कॉस को इस फॉर्म में लिख लिया अपन, जगह नहीं था इसलिए, उसके बाद साइन ऊपर चले जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर चले जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, इस फॉर्म में लिख ली, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ली, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकाले तो ये ऊपर ये नीचे रहेगा, गलती से लिख दिया ऊपर, उसके बाद कॉस साइन का मल्टीप्लाई कर दी, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्वेश्चन क्या था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन थीटा ए माइनस बी ये आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब ये जानते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, यहाँ पुट कर दिए वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद सॉल्व करते हैं, अब यहाँ समझने वाली बात है, अपने को यहाँ प्रूफ करना है वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो अपने को यहाँ जो लिख दिया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, इसको नहीं डालना है अपने को, वन को फिर से कन्वर्ट कर देते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा
यहाँ साइन स्क्वायर के अपॉन में लिखते सेपरेट कर लिए अपन डायरेक्ट कॉस थीटा, यहाँ भी प्लस ये वाला टर्म बचा है थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से एक कॉस कैंसिल, यहाँ एक कॉस बचेगा, यहाँ से एक साइन कैंसिल, यहाँ साइन बचेगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा प्लस कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन कॉट थीटा प्लस वन। अपन जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा। ये चार फॉर्मूले को आपको याद कर लेना अच्छे से। और ये वाला अपना हैंस प्रूव्ड हो चुका है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। 16 क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के सॉल्यूशन के साथ। और इस क्वेश्चन में टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, साइन बाय कॉस, कॉट का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 30। इसको सॉल्व कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कर दें। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।